हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गिलिज एंड यू गाइस आर वाचिंग गुड रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस, माही की एक और अमेजिंग सी वीडियो लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गई हूं। और जितना इंतजार और एक्साइटेड आप लोग होते हैं माही की वीडियोस के लिए, उतना मैं भी होती हूं। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और फन से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है MS धोनी फनी कमेंट्स कॉट इन स्टंप माइक। सो बहुत ही मजे के कमेंट्स सुनने को मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द होल वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। सो 3, 2, 1, लेट्स गो। सो वैसे कर दी है मैंने वीडियो दोस्तों का, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिन फैक्ट में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बल्लेबाजी, कप्तानी और विकेट कीपिंग से कमाल किया है। खेल के दौरान उनकी बातें भी हमेशा कमाल की रही हैं। खेल के दौरान धोनी अक्सर विकेट के पीछे से लगातार गेंदबाजों तथा बाकी खिलाड़ियों को सलाह देते रहते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब धोनी की आवाज खेल के दौरान माइक में रिकॉर्ड हो गई हो और फिर ये रातों रात जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। तो चलिए आपको इस वीडियो में धोनी के कुछ टॉप के कॉमेंट्स के बारे में बताते हैं जो खेल के दौरान स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमने मैच के दौरान रिकॉर्ड हुई धोनी की आवाज पर एक शानदार वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस भारत। 2 जनवरी 2019 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। नेपियर में खेले जा रहे एक मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही न्यूजीलैंड की टीम पर शिकंजा कसा रखा। 157 रन पर ही भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया। अब मैदान पर आखिरी बल्लेबाज के रूप में ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी थे। आखिरी जोड़ी को जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो धोनी ने उन्हें विकेट के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, आंख बंद करके रोकेगा, दूसरी तरफ से डाल सकता है इसको। जी हाँ, ऐसे ही जब धोनी ने कुलदीप यादव को ये बातें कही तो कुलदीप यादव उस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन धोनी की सलाह के बाद कुलदीप यादव तुरंत ओवर द विकेट गेंदबाजी करने आए। फिर क्या था, गेंद बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लेते हुई स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। इस तरह धोनी ने बल्लेबाज को आउट करने में हेल्प की। यूं तो विकेट कुलदीप यादव ने लिया था, लेकिन इस विकेट का सारा क्रेडिट धोनी को जाता है। आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है। 2012 में दोस्तों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई। इस दौरे के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान धोनी की जबरदस्त दरिया दिली देखने को मिली। दरअसल दूसरे मैच के दूसरे दिन ईशांत शर्मा कुछ संघर्ष कर रहे थे, ऐसे में धोनी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, उसको मैं बुला लूंगा, तुझे अगर उधर डालना है तो डाल भी सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर चौका गया तो मेरा रिस्क है, तू बिंदास डाल, अगर तुझे एक और फील्डर चाहिए तो मैं बुला लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धोनी की ये सारी बातें माइक पर रिकॉर्ड हो गई, साथ ही जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ। अमेजिंग, धोनी की जमकर तारीफ की। धोनी की इस दरिया दली का ही नतीजा रहा कि जल्द ही ईशांत शर्मा फॉर्म में वापस आ गए और इसी पारी में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कैप्टन ऐसा हो तो फिर कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसको मैं बुला लूंगा, तुझे अगर उधर डालना है तो डाल भी सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दोस्तों, ऐसे बहुत कम मौके हैं जब धोनी को मैदान पर थोड़ा गुस्सा होते हुए देखा गया हो। 2018 के एशिया कप में एक ऐसा मौका आया जब धोनी चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव पर थोड़े नाराज होते हुए दिखाई दिए। दरअसल एशिया कप के सुपर फोर मैच में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से हो रहा था। इस मैच में जब गेंदबाजी करने के लिए धोनी ने कुलदीप यादव को बुलाया तो कुलदीप यादव अपने हिसाब से फील्डिंग में बदलाव करने लगे। इस पर धोनी विकेट के पीछे से कहते हुए सुनाई दिए, बॉलिंग करेगा या बोलर चेंज करे। यानी कि धोनी को बॉलर चेंज करते हुए नजर आए, या तो बॉलिंग करो या फिर बॉलर चेंज कर देते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन धोनी गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को कहते हुए सुनाई दिए, तारक मेहता डाल। धोनी का ये कमेंट काफी लोगों को समझ में नहीं आया कि धोनी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। फिर धोनी के इस कमेंट को सुनील गावस्कर ने डिकोड किया। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक मशहूर टीवी सीरियल है। तारक मेहता से धोनी का मतलब ये था, उल्टा यानी दूसरा बॉल डाल। यहाँ धोनी खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि अगर वो खुलकर जडेजा को बोलते दूसरा बॉल डालो तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज समझ जाते और वो इसके लिए तैयार हो जाते, लेकिन धोनी ने चालाकी से काम लेते हुए सामने वाले को कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया। तारक मेहता। CSK वर्सेस RCB। धोनी का यह कमेंट हाल ही में आया। 2021 IPL के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने थी। इस मैच में हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में 37 रन जोड़कर रविंद्र जडेजा ने सनसनी मचा दी। जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए, जब बेंगलुरु के बल्लेबाज एवी डिविलियर्स और काइली जेमिशन मैदान पर थे,
तो धोनी लगातार विकेट के पीछे से जडेजा को हिंदी में सलाह दे रहे थे, लेकिन जब एबी डिविलियर्स आउट हो गए, जैसे ही हर्षल पटेल मैदान पर आए, धोनी जडेजा से कहते हुए सुनाई दिए, अब हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ मैं। दरअसल धोनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब दो विदेशी बल्लेबाज मैदान पर थे, धोनी आराम से हिंदी में गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे, लेकिन हर्षल पटेल भारतीय थे और उन्हें अच्छी हिंदी आती है, इसीलिए उन्होंने क्या बात है क्या वो हिंदी में उन्हें सलाह नहीं दे सकते। धोनी का ये कमेंट भाई खूब वायरल हुआ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2016 टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में धोनी अपने साथी खिलाड़ी विराट कोहली का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। ये मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। इसी मैच में धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए विराट कोहली को गेंदबाजी पर बुलाया। विराट कोहली की किस्मत अच्छी थी। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में एक वाइड यॉर्कर पर केविन पीटरसन को क्लीन बोल्ड किया। इस विकेट से उत्साहित विराट कोहली जब अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए तो कुछ वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने लगे। इसी क्रम में विराट कोहली की गेंद लेग साइड में चली गई और इंग्लैंड को बाई के रन मिले। विराट कोहली की गेंदबाजी पर धोनी ने तुरंत विकेट के पीछे से कहा, जितना कहा है उतना कर, बॉलर मत बन। धोनी के इस कमेंट पर हर कोई मुस्कुरा उठा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इस दौरान धोनी गेंदबाजी कर रहे प्रज्ञान ओझा से कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आए जिसको सुनकर हर कोई हंसने लगा। दरअसल धोनी ने अचानक विकेट के पीछे से प्रज्ञान ओझा को कहा, घंटी बजा दे इसकी। इस तरह धोनी यहाँ इयान बेल का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। इसी मैच के दौरान धोनी एक बार फिर कहते हुए नजर आए, आज घंटी को लेकर जाना। धोनी के दोनों ही कमेंट की बड़ी खूब चर्चा हुई थी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, 2013 में ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय दौरे पर आई थी। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मोहाली में खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से जब माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने आए तो धोनी ने गेंदबाजी कर रहे जडेजा को सलाह देते हुए कहा, पहली बॉल थोड़ी तेज डालना, यह पहले ही बॉल आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ सलाह नहीं थी बल्कि धोनी की भविष्यवाणी भी थी और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। जैसे ही माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने आए, जडेजा ने उन्हें तेज गेंद फेंकी जिसे खेलने के लिए माइकल क्लार्क आगे बढ़े, लेकिन वो चूक गए और इधर धोनी ने गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह माइकल क्लार्क धोनी की चालाकी की वजह से स्टंप आउट हो गए। इस सूझबूझ के लिए धोनी की जम के तारीफ हुई। धोनी टू रॉबिन उथप्पा दोस्तों, मैच के दौरान ऐसे कई मौके आए जब धोनी खिलाड़ियों की टांग खींचते हुए नजर आए। कई मौकों पर धोनी ने अपने साथी खिलाड़ियों का मजाक गर्लफ्रेंड से छोड़ते हुए उड़ाया था। ऐसी एक मौका रॉबिन उथप्पा के साथ भी आया। दरअसल एक मैच में गेंद जब रॉबिन के हाथों आई तब रॉबिन बड़े आराम से गेंद को पकड़ने आए और थ्रो करने में वो थोड़ा समय ले रहे थे। उस पर धोनी ने विकेट के पीछे से आवाज लगाई, अरे गर्लफ्रेंड से रात में बात कर लेना, पहले बॉल फेंक बॉल। धोनी का ये वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दोस्तों, धोनी अक्सर हिंदी में ही विकेट के पीछे से बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन 2019 के ही न्यूजीलैंड के दौरे पर धोनी किसी और भाषा में गेंदबाज को सलाह नजर आए। दरअसल सीरीज के पांचवें मैच में जब 48वें ओवर में केदार जाधव गेंदबाजी करने आए तो धोनी ने उन्हें विकेट के पीछे से मराठी में कुछ कहा। धोनी ने जाधव से कहा, पुणे नको भाव घेऊन टाक। मराठी वालों को ये बात तुरंत समझ में आ गई, लेकिन बाकी तो भाई सर पकड़ कर बैठ गए, धोनी ये क्या बोल रहे हैं। दरअसल धोनी ने मराठी में कहा था, ओवर पिच गेंद मत डाल, एक विकेट ले। धोनी के इस मराठी अंदाज को भी जबरदस्त तरीके से पसंद किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपका धोनी का कौन सा कमेंट फनी लगा जरा मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान। ये थे एमएस धोनी के वो फनी कमेंट जो कि रिकॉर्ड हुए हैं स्टंप माइक में। और वीडियो पर डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि इस अमेजिंग सी वीडियो को क्रिएट किया है पिन फैक्ट यूट्यूब चैनल ने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनके चैनल का जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग और वीडियोस आपको उनके चैनल पे मिलेंगी। अब बात करते हैं इस वीडियो की। सो गाइस, मैंने तो बहुत ही इंजॉय करा, स्पेशली मैं हैरान भी हूँ कि किस तरह से एमएस धोनी विकेट के पीछे रहकर विकेट के आगे खड़े बैट्समैन का माइंड रीड कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट मूव क्या लेगा, और उसी बात की वजह से मतलब ये जो उनका टैलेंट है उससे कितने बॉलर्स को फायदा होता है। और दूसरा ये कि जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जिस तरह से वो ईशांत शर्मा को बकअप कर रहे थे, उन्हें
इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम बिंदास जो है वो बोल करो और मैं संभाल लूंगा. मतलब ऐसा कैप्टन अगर हो तो प्लेयर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है, वो खुल के परफॉर्म करते हैं, उन्हें प्रेशर नहीं होता कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो ऐसा तो नहीं कि हमें निकाल दिया जाएगा, हमारी जगह चली जाएगी. सो ये कैप्टन के जो जिम्मेदारी होती है वो एक बहुत बड़ी होती है, पूरी टीम को साथ लेके जोड़ के लेके चलने की. और मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए धोनी नंबर वन कैप्टन है इस वर्ल्ड में और पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में रहेंगे, क्योंकि मैंने वाकई ऐसा कैप्टन नहीं देखा जो कि इतना सेल्फलेस खेलता हो, अपने प्लेयर्स को इस तरह से सपोर्ट करता हो. और उसके साथ ही साथ ना सिर्फ वो एक अमेजिंग कैप्टन लीडर है और विकेट कीपर है, बैट्समैन है, बल्कि उसके साथ एक बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन भी है. क्योंकि जिस तरह से उनकी बात ही थी कि गर्लफ्रेंड से सुबह बात कर लेना, जो वो बॉलर को बोल रहे थे जब वो बॉल फेंकने में देर लगाया था, उसके बाद जिस तरह उन्होंने विराट कोहली को भी बोला कि अपनी तरफ से मतलब ज़्यादा ना करें, जितना बोला उतना ही करें. सो ऐसी जो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं, और इसके साथ बेल को उन्होंने बोला कि इसकी घंटी बजा देना, आज घंटी साथ लेके जाएंगे. सो बहुत मजा आया वीडियो को देखने में, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी उतना इंजॉय की होगी. अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी और अमेजिंग सी माही से रिलेटेड वीडियोज आती रहे तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट पेस में अपनी गाड़ी को चलाइए और चैनल को जल्दी 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी आप लोग के लिए वीडियोज लाती रहूँ और हम ऐसी इंजॉय करते रहे. सो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.